समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई पर योगी के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि कानून ने आज साबित कर दिया कि कोई कितना भी रसूख रखता हो, कानून अपनी ईमानदारी से ही काम करेगा। उनसे सवाल किया कि हमेशा सपा की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाते रहे कि बीजेपी ने आजम खान पर बहुत जुल्म और ज्यादती की है। इस पर दानिश ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। कानून ने दिखा दिया है कि कोई कितना रसूख रखता हो, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानूनी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगी। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मुकदमों को लेकर सपा और आजम के परिवार के सदस्यों की तरफ से आरोप लगाए गए कि बीजेपी द्वेष की भावना के साथ काम कर रही है। इस पर दानिश ने जवाब दिया कि योगी सरकार किसी द्वेष की भावना के साथ काम नहीं कर रही, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के लिए जानी जाती है। हम लगातार विकास के एजेंडे और आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश ही है जहां कानून व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने कहा कि सबको माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत राय से बचना चाहिए, न्यायालय सभी पक्षों की बात सुनकर और जांच कर ही फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी गई, जिसके उनकी रिहाई की राह आसान हो गई। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए ये एक उपयुक्त मामला है। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब आजम के साथ ही शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे। सभी कागजी कार्रवाई के बाद आजम खान रिहा होकर बेटों के साथ जेल से रवाना हो गए। गौरतलब है कि आजम खान को करीब 27 महीने बाद जेल से रिहाई मिल गई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी थी। रिहाई पर आजम के समर्थक और परिवार के लोग काफी खुश हैं। वहीं प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने भी उनकी रिहाई पर कल ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी। वहीं अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।